किन से कहा? तब हम तक तो ये बात नहीं पहुंची, और जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का उनका फैसला उन्होंने लिया हो तो पहले तो वो हमें बता देते, लेकिन अब आपने ये बात छेड़ी तो ज़रूर इसको हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। हमारे पहले चॉइस के उम्मीदवार पे तो मियां साहब ही थे, और फिलहाल जब तक हम मियां साहब के मुंह से नहीं सुनते कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हमारे उम्मीदवार मियां साहब ही रहेंगे। अभी देखते हैं आगे क्या करना होगा। और कुछ मैं इस बात में अभी जाऊंगा नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा, अखबार के जरिए खबरें जो हैं हमेशा सही नहीं होती, कभी कभार इन खबरों में हम गलती भी खा जाते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, जब तक कि मैं मियां साहब के मुंह से ये बात नहीं सुनता हूं कि वो इलेक्शन लड़ने के मतलब के लिए तैयार नहीं है या उनकी सेहत उनको इस बात की इजाज़त नहीं देती, तब तक वो हमारे उम्मीदवार हैं। अगर ये सिलसिला अगर इसमें कोई तब्दीली आ जाती है तो फिर उस पर बैठ के हम बात कर लेंगे।